Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Petro Always Exposes Darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा कम समय के अंदर क्या आ सकता है. तो आपके जो करंट सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे, ब्लेसिंग्स जो भी आने वाले होंगे, ऑब्वियसली कोई सिचुएशन भी हो सकता है जिसके बारे में आपको जानने का हक है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वी डू हैव द लेडी, सॉरी द लॉर्ड ऑफ लव. ओके, यहां पे है द वर्ल्ड ऑफ शेडोज. ऑलराइट, वी डू हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. No issue. The love feast, the lovers, the four of swords, ten of cups. Bottom of the deck, हमारे पास है four of love. So four of love, four of swords. अच्छा, हम दूसरा deck से भी देखेंगे. This is one of the ancient decks. पिक्चराइजेशन से आपको लगेगा कि ये पुराना डेक है. मैं नहीं, पुराना डेक मैं नहीं लेती हूँ. दिस इज एब्सोल्यूटली अ न्यू डेक, बट द पिक्चराइजेशन इज लाइक दैट. द पेंटिंग्स जिससे लिया हुआ था, ठीक है, जिससे इंस्पायर्ड था, वो इसी तरह से दिखता है. We do have the cumulus, accumulation. This is the wonderful card of the deck. We do have analysis. We do have mysteries. We do have strategy. हमारे पास है abandonment, dedito. We do have superbia, pride. Bottom of the deck, we do have the purity. एक बात का है कि आपको पता है कि जो लोहा जो होते हैं ना, उसको जितना भी गर्म किया जाता है वो उतना मजबूत होता है, और उसको ना फिर स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. सो बेसिकली जितना जिसका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, मैं जस्ट एज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में बोलना चाहती हूँ, जितना उसका पैशन होता जाएगा कोई चीज़ को ढूंढने का, कोई चीज़ को उसके लिए मिलने का, ठीक है, सो उतना ही उसको एक्सपीरियंस जो है वो बिटर होता जाएगा, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही मूल्यवान होगा. जैसा बोला जाता है ना, व्हेन यू वर्क हार्ड, राइट, सो बेसिकली वो चीज़ जो है ऑलरेडी अपने दे दिया है, एक्शंस अपने कर दिया है. नाउ इज़ द टाइम टू गेट द रिवॉर्ड्स, और रिवॉर्ड जो होगा वो फटाफट से नहीं आता है. यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड होगा वो दूसरे का रिवॉर्ड जैसा नहीं है. इट इज़ लाइक यू नो, इट कैनॉट बी मैच्ड विद अदर्स. तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा. पाइसेस यहाँ पे है, जेमिनी यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे. ऑल राइट, वी डू हैव द सुपरबिया, प्राइड है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन है यहाँ पे, इकट्ठा. तो चलो हम बोल देते हैं कि बहुत ही
जल्द से जल्द क्या आपकी जिंदगी में आने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कि जिनसे आप मोहब्बत किया करते थे, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, सो वो इंसान आपके साथ दगा किए हैं, वो सही है। मतलब क्या है, आपको पता है वो सही है मतलब क्या है। मैं मानती हूँ कि ठीक है उसने ऐसा किया, लेकिन आप पूरी तरह से सुनना, लेकिन उसने जब दरवाज़ा बंद कर दिया है, उसके दरवाजे पर नॉक करके, आई डोंट थिंक सो कि कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना जो है कीमती वक्त इनको मत दीजिए जो आपके लिए नहीं है, जो दरवाज़ा आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उस दरवाजे पे नॉक करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज हियर यूनिवर्स वॉन्ट टू से यू, दे आर सेंडिंग समवन इन योर लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी में किसी और को भेज रहे हैं। एंड वेन दे आर सेंडिंग समवन इन योर लाइफ, यही दरवाज़ा आप देखोगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये आता है, ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई फील इट इज़ नीडेड। सो आप अभी हील्ड नहीं हो, तो जो जिंदगी में आपके आने वाले हैं उनके लिए आप दोनों मिलके कोई ना कोई दरवाज़ा तो खोल रहे हो, और वो दरवाज़ा जो है सीधा प्यार के, ठीक है, डायरेक्शन पर जा रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट अगर आपने कुछ लूज़ भी किया है, अगर आपने सेल्फ रेस्पेक्ट लूज़ किया है, मे बी ये एक रिलेशनशिप ना हो के कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी रहा होगा कि आप बार बार उस दरवाज़े पे खटखटाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिक्रूटर्स या जो हायरिंग पर्सन थे या एचआर मैनेजर थे, कहीं ना कहीं पे कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है कि आपने काफ़ी स्टेटमेंट्स भी दिया है, बट आपने काफ़ी ज़्यादा नॉक किया है, बट वो दरवाज़ा आपके लिए खुला नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर खोल जाते हैं तो पूरी तरह से आपको पता है कि वो विनाशकारी हो जाते हैं, और कुछ दरवाजे जो होते हैं वो अगर खुलते हैं तो क्रिएटिव होते हैं, तो वो वहाँ पे एक सही दिशा पे आपको लेके जाता है। सो सम डोर्स आर नॉट मेंट फॉर यू एंड फ्यू डोर्स आर डेफिनेटली मेंट फॉर यू। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यार शायद आप ऐसा फील कर सकते हैं करंट सिचुएशन पर कि मेरा लाइफ जो है ना बहुत डिसगस्टिंग है, बहुत ही बेकार सा होते जा रहा है, वही रूटीन, वही झिक झिक, वही ऑफिस जाना, वही बिजनेस, वही घर में आना, वही काम करना, सो देर इज़ नो एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आपका फीलिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज यू लैक सिंपैथी। तो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी विद इन द यू कैन से विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज और मोर देन दैट, ऐसा ज़रूर होने वाला है कि आपको एक इनविटेशन मिलेगा, या हो सकता है कि आप आपके घर में बहुत सारे लोग एट ए टाइम आ जाए, बहुत लोग मिलके मौज मस्ती सब कुछ चीज़ चलता रहेगा। एंड आई डू थिंक सो दैट इट विल ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ, आप फिर से अपनी एनर्जी को रीगेन करते हुए दिखाई देगा। मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ही आपको विश्लेषण जो बोला जाता है ना कि अंडरस्टैंड इट, कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंशन, जैसे बचपन में हम लोग कंप्रीहेंशन किया करते थे, एक पैसेज को पढ़ते थे और उसका जो है उसको देख के कंप्रीहेंशन बनाते थे, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स भी आता था। नाउ आई डू फाइंड लाइक दैट, बचपन में क्या, मैं तो यूजीसी नेट में का भी बोल सकती हूँ कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही रहता है, इवन इन आयल्स यू कैन से लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट। सो एनी वे कुछ मालूम चलेगा आपको, ठीक है, बहुत कुछ स्टोर है, जैसे बोला जाता है ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत कुछ चीज़ स्टोर्ड है, आपके फ्यूचर में भी बहुत कुछ चीज़ स्टोर्ड है। सो आपको उस सारे विषय पे आपको पता चलेगा कि क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ दैट। बहुत कुछ दिनों से हो सकता है कि आपको रेवेंस देखिए, मतलब क्रोज आपको बहुत ज़्यादा दिखे, आपके घर में कौवे बहुत ज़्यादा चिल्लाएं, इवन जब आप सुबह उठते हैं, या हो सकता है स्पैरोज दिखे, छोटे 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 बर्ड्स अचानक से आपके विंडो पे आए और चिल्ला के चीख के चले जाए, ठीक है, उस तरह का। अगर बहुत ही जोर से कुछ अनयूजुअल साउंड हुए तो हो सकता है कि देर इज अ डेंजर, बट अगर बहुत ही मधुर आवाज निकले तो समझ जाना कि अ ट्रीटी और अ फ्रेंडशिप इज वेटिंग फॉर यू। एंड आई डू थिंक सो कि आने वाले समय में आप अपने
जैसे बोला जाता है ना कि रणनीति, ठीक है, उसको सही तरह से आप अप्लाई करोगे। चाणक्य जो जाने जाते थे अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए, सो आई डू थिंक सो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इज इनसाइड यू, एंड वही आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है, दैट इज़ मिसिंग। और उस सिचुएशन को यूज़ करते हुए, उस परंपरा को यूज़ करते हुए, हो सकता है कि आपके खानदान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उनका वंश है आप, राइट, एंड आप अपने परिवार का बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आई कैन से लाइक दैट योर पेरेंट्स विल बी टोटली प्राउड ऑफ यू, योर पार्टनर विल बी प्राउड ऑफ यू कि आपने कुछ अचीव किया है, आप अचीव करोगे। और आने वाले समय में आई डू थिंक सो नॉट ओनली लव बट आई थिंक सो फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, टुगेदरनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मीठापन, मिठास जिंदगी का जितना भी हो भरपूर रहे, ये कप अगर खाली हो जाए सो देर शुड बी मोर इन दैट एंड देर विल बी डेफिनेटली। आई डू फाइंड कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो भी आपके पास है, राइट, जो भी आपके पास होगा, सो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि दिस इज द मून कार्ड, द वर्ल्ड ऑफ शेडोज। सो कभी कभी हमें अपने जो जैसे बोले जाते ना, हमें अपने नेगेटिव क्वालिटी किसी से सुनना नहीं होता है। क्या होता है ना, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, अरे कोई मैं हमारा नेगेटिव क्वालिटी बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटी है। सो ये जब हम सुनते हैं वो हमें ट्रिगर करता है और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो हो सकता है मे बी यू आर ग्रेटिंग क्रिटिक्स, राइट, आपको कोई सुना रहे हैं, आपके बारे में कोई प्लॉट कर रहे हैं, स्कीम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके अंदर और रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ चीज़ हो गया सो डेफिनेटली आई डू थिंक सो ये होगा भी, इसीलिए ऐसा आ रहा है, एंड डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग द हाइट ऑफ सक्सेस। सो बहुत सारे लोग, आज मैं ये भी देख रही हूँ, जो लोगों को फैमिली की, लव की कमी उनको था, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया, समाज ने किया, खोखला आपको बना दिया, तो आप वही स्टेटस पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे रिकॉग्निशन, यू कैन से एप्रिसिएशन, ठीक है, कहीं ना कहीं पर सपोर्ट आपके ज़िंदगी में आता हुआ, एंड बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी हार्ट ब्रेक्स, कभी कभी दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए मैं देख रही हूँ बहुत ही सुनहरे दरवाजे जो है वो खुल रहे हैं। सो न्यू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू एंड दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लास्ट हम क्यूब से देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ओके लेकिन कभी कभी मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ढेर सारा पैसा, बहुत ढेर सारा रेपुटेशन, फेम, लोगों को इतना गुरूर हो जाते हैं लोग कि लोग भूल जाते हैं, लोग अपने आप को खो देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू विल हैव द कॉन्शियसनेस इनसाइड यू दैट आपको कभी भी ऐसा मतलब नहीं फील होगा। आपके अंदर जितना भी है, ठीक है, आप उतना ही फील करोगे। यू विल नॉट फील लाइक यू नो कि सो मच ईगोइस्टिक, वो भी मुझे दिख रहा है। सम एक्शंस विल बी डेफिनेटली टेकन बाय यू, फाइनली आपको एनालिसिस करने को मिलेगा, हो सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो और सही रिजल्ट निकलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अचानक से कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिल सकता है कि ओके वाओ, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस सब्जेक्ट में इस तरह से मैं स्कोर हो जाएगा, बट स्कोर हो जाएगा। एंड आई डू थिंक सो दैट स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जो नींव आप बना रहे हैं अभी से वो बहुत बड़ा इमारत को खड़ा करने वाला है इन द फ्यूचर। सो यू आर अ स्टार एंड यू विल बी अ स्टार। एवरी वन ऑफ अस आर द पार्ट ओके ऑफ द मेन यूनिवर्स। हम लोग सारे अंश हैं, वो तो हम भूल जाते हैं। आपके अंदर वो चीज़ है, आप करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है उस चीज़ का।
सो डू इट, वाई नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.